बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइट प्लानिंग गाइड्स। ये लेक्चर भी अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन से है। इससे पहले हम लोगों ने डाइटरी गाइडलाइंस पढ़ी थी, और उससे पहले हम लोगों ने डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज डाइट प्लानिंग गाइड्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें जो है वो मेंशन है। अच्छा जी, USDA फूड गाइड जो है, एक चीज़ जो मैं आपको काफ़ी अरसे से जिस चीज़ पर मैं एम्फेसिस करती हूँ वो ये होती है कि जब भी आप लोगों ने डाइट प्लान करना है तो उसमें जो हमारे पांच फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स हैं, मीट एंड लेग्यूम्स हैं या मिल्क है, वो पांचों के पांचों आपकी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। सो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल सके, या आप अपने पेशेंट को जो है उसकी जो न्यूट्रिएंट नीड है उसको पूरा कर सके। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो रिकमेंडेड अमाउंट्स हैं वो क्या क्या है। जैसे एक स्पेसिफिक हम लोग कैलोरीज काउंट करते हैं ना, पहले जब हम लोगों ने डाइट प्लान बनाना होता है तो हम लोग पहले कैलोरीज काउंट करते हैं। सपोज किसी बंदे की 2000 कैलोरीज आई है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो US का जो एवरेज कैलोरीज बताई गई है कि एक जो सिडेंट्री यंग वुमेन है उसको पर डे 2000 कैलोरीज चाहिए। बट अगर पाकिस्तान की बात करें तो एवरेज इनटेक 1600 तक जो है ना वो एवरेज चाहिए होता है हर वुमेन को। अब ये जो 2000 कैलोरीज है उनमें कितना फ्रूट होना चाहिए, कितने वेजिटेबल्स होने चाहिए, कितने ग्रेन्स होने चाहिए, कितना मीट होना चाहिए, ये सारी जो है वो लिस्ट एक टेबल में बताई गई है। बट ये हम लोग खुद भी कैलकुलेट करते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना तो आप लोग फिर ये फाइंड आउट करोगे किस तरह से हम लोग कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से सर्विंग्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर ये आपको ये जो चीज़ है ये आप इसको अच्छे तरह से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अच्छा जी, इसमें बात की गई है कि अगर 2000 कैलोरीज पर डे कोई जो वुमेन है वो ले रही है तो उसको उसकी डाइट में 2 कप्स जो है फ्रूट्स होने चाहिए, 2.5 कप्स जो है वो वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अब वेजिटेबल्स में भी वैरायटी आती है, कुछ डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ येलो होती हैं, इसी तरह कुछ ऑरेंज होती हैं, इसी तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरह 6 आउंस ऑफ ग्रेन्स होना चाहिए। ग्रेन्स में हमारे पास क्या क्या आता है, उसमें हमारे पास होल व्हीट आ जाता है, हमारे पास बार्ले आता है, डिफरेंट तरह के ग्रेन्स, मल्टी ग्रेन्स आ जाते हैं। 5.5 आउंस ऑफ मीट होना चाहिए। मीट में हमारे पास चिकन है, मटन है, बीफ है, फिश है। इसके अलावा हमारे पास लेग्यूम्स, एग्स, सीड्स एंड नट्स। ये जो 5 आउंस ऑफ मीट है ना, मीट के ग्रुप में ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं। इसके अलावा 3 कप्स जो है वो मिल्क प्रोडक्ट होने चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट में आप मिल्क भी ले सकते हैं, योगर्ट भी ले सकते हैं, बटर मिल्क भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या बात की गई है। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना, पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी तरफ मैं लिख कराऊंगी। अच्छा, इसके बाद हमने पांच फूड ग्रुप्स की तो बात कर ली, ठीक है। बट हमारे पास जो फैट है, फैट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यूजली ये एक मिथ होती है ना कि फैट हमें नहीं लेना चाहिए, या फैट जो हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। लेकिन फैट की भी टाइप्स होती हैं। एक हेल्दी फैट होता है, बैड फैट होता है। जैसे सैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, या ट्रांस फैट ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो ये बैड की तरफ आता है। हेल्दी फैट में क्या आता है, हेल्दी फैट में हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। उसमें हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट्स हैं, एवोकाडो है, फिश है। ये जो फिश ऑयल है, ये जो सारी चीज़ें, ये हमारे पास हेल्दी फैट में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम बिल्कुल कट डाउन कर देंगे तो जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसके अलावा ना डिफरेंट ये बताया गया कि जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल के सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स डिफरेंट विटामिंस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। अब जो USDA जो फूड गाइड है उसमें ये
इसको फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब फाइव ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हमें बी वाइटामिन प्रोवाइड करेंगी, जो ऑरेंज वेजिटेबल्स हैं वो हमें वाइटामिन ए प्रोवाइड करेंगी, लेग्यूम्स हमें आयरन और प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा हमारे पास ये बताया गया है कि जो 2000 कैलोरीज में 2.5 कप जो वेजिटेबल्स हैं उसमें डिफरेंट सब ग्रुप्स, अगेन वही बात की गई है। अब सेम वही चीज़ है। अब उसमें बताया गया कि जैसे अगर हाफ 2.5 कप में आप पोटैटो ले रहे हैं, पोटैटो स्टार्ची वेजिटेबल है, ठीक है, या आप स्पिनिच ले रहे हैं, तो आप एक ही चीज जो है वो आप बार बार नहीं ले सकते, उसमें आप वैरायटी लें। और इसके अलावा बताया गया है कि अगर आप एक ही चीज बार बार लेते हैं ना, चाहे आप वीक में 7 डेज भी आप ले रहे हो, तो वो आपकी न्यूट्रिएंट नीड जो है वो पूरा नहीं करेगी। अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऐड करके आप लेते हैं, तो फिर आपकी जो न्यूट्रिएंट नीड्स है वो आपकी पूरी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्या बात की गई है, अब मैं आपको वो सब ग्रुप्स बताती हूँ जो ऊपर हमने स्किप किए हैं ना, वो मैं आपको भी करवाती हूँ। ये जो सब ग्रुप्स हैं जो हमारे पास, पहला फूड ग्रुप है फ्रूट्स। फ्रूट्स में अच्छा अभी आप लोग एक्सचेंज लिस्ट करेंगे, एक्सचेंज लिस्ट से ये थोड़ी सी डिफर कर रही है, ठीक है। एक्सचेंज लिस्ट में जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात की है फ्रूट की, तो फ्रूट हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फोलेट प्रोवाइड करता है, वाइटामिन ए प्रोवाइड करता है, वाइटामिन सी प्रोवाइड करता है, पोटेशियम, फाइबर। अब ये जो चीज़ है ना, ये आती है एक्सचेंज लिस्ट में कि एक जो फ्रूट है वो किसके इक्विवेलेंट है। मतलब जब हम लोग कह रहे हैं कि आपने एक फ्रूट लेना है, तो मीन्स के एक फ्रूट से क्या, अगर हमारे पास पीसीज हैं फ्रूट्स के, तो फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये एक फ्रूट है या नहीं है? जैसे हम फ्रूट चाट खाते हैं या हम जूस पीते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक फ्रूट के इक्विवेलेंट है कि उससे ज्यादा है या उससे कम है? सो ये सर्विंग साइज दी गई है, 1 कप जो है वो इक्विवेलेंट है। कोई भी आप एक फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, जैसे बनाना है या ब्लूबेरीज है। अब जब आप एक्सचेंज लिस्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें ना सारा ये अलग अलग करके बताया गया है कि अगर 10 ग्रेप्स हों तो वो एक सर्विंग के इक्विवेलेंट है, मतलब 1 कप फ्रूट के इक्विवेलेंट है। इसके अलावा अगर फ्रोजन है, तो वो भी 1 कप फ्रूट जो है वो 1 कप फ्रोजन के इक्विवेलेंट है। ये कैंड फ्रूट्स हैं, कैंड फ्रूट भी अगर आप 1 कप लेते हैं तो 1 कप फ्रूट के इक्विवेलेंट है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे ड्राई खुबानी होती है, ये ड्राई जो प्लम होता है, वो अगर हाफ कप ड्राइड फ्रूट हो तो वो 1 कप के इक्विवेलेंट होता है। और अगर आप जूस की बात करें, तो 1 कप जो फ्रूट जूस होता है वो 1 कप फ्रूट के इक्विवेलेंट होता है। ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप लोग एक्सचेंज लिस्ट करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आप लोग के सिलेबस में है, तो आप बड़ी जल्दी आप उस पर ग्रिप करेंगे। इसके अलावा ये जो ग्रीन आप सर्कल देख रहे हैं ना, छोटा सा डॉट देख रहे हैं, इट मीन्स के ये जो चीजें हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, ये आपको लेनी चाहिए, एक्सेस में लेनी चाहिए। जो आपको रिकमेंडेड अमाउंट आपको बताई गई है उसमें रह के आपको लेनी चाहिए। बट ये जो ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल देख रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो चीजें हैं आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेनी चाहिए। उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें कैंड और फ्रोजन फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें सीरप में वो किए होते हैं, प्रिजर्व किए होते हैं, या जो जूसेस होते हैं, कैंड जूसेस होते हैं, पंचीज हैं, एडेड है। इसके अलावा फ्रूट ड्रिंक्स हैं जिसमें एडेड शुगर्स हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको लिमिटेड अमाउंट में लेनी चाहिए। अब हमारे पास दूसरा फूड ग्रुप है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हमारे पास 5 सब ग्रुप्स हैं। वेजिटेबल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें फोलेट प्रोवाइड करती हैं, वाइटामिन ए प्रोवाइड करती हैं, वाइटामिन सी है, वाइटामिन के है, वाइटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फाइबर। अब 1 कप अगर वेजिटेबल हम कह रहे हैं कि एक पेशेंट है उसको हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने 1 कप वेजिटेबल्स लेना है, तो 1 कप वेजिटेबल में वो क्या क्या ले सकता है, ठीक है। 1 कप वेजिटेबल इक्विवेलेंट है कि वो 1 कप वो सैलेड बना ले, 1 कप मिक्स करके वो सैलेड बना ले, वो रॉ भी खा सकता है, कुक भी खा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक्सचेंज लिस्ट में जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं वो हाफ कप कुक वेजिटेबल्स में वो 1 कप वेजिटेबल के बराबर होती है, और अगर रॉ वेजिटेबल्स हैं तो रॉ वेजिटेबल की सेम अमाउंट होती है, 1 कप वेजिटेबल इज इक्वल टू 1 कप रॉ वेजिटेबल्स।
कैलोरीज में फर्क आ जाता है ना, जैसे 1 कप रॉ वेजिटेबल्स लें तो वो आपको 25 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगी, और अगर आप हाफ कप कुक वेजिटेबल्स पर लें तो वो भी आपको 25 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगी। बट इसमें आपकी इक्वलेंट जो कुक वेजिटेबल्स हैं वो भी 1 कप का बताया गया, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो भी 1 कप का बताया गया। इसके अलावा कुक लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स जो हैं वो हमारे वेजिटेबल ग्रुप में भी इंक्लूड है और हमारे मीट के ग्रुप में भी इंक्लूड है। और 1 कप कुक वेजिटेबल्स किसके इक्वलेंट है? अच्छा, ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अभी सिर्फ 1 कप वेजिटेबल की बात की गई है। 1 कप वेजिटेबल जो है वो किसके इक्वलेंट है? वो रॉ के भी कुक्ड के भी, अगर आप 1 कप लेग्यूम्स भी उसकी जगह ले सकते हैं, या 1 कप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं, या 2 कप रॉ भी ले सकते हैं, जो जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो 2 कप रॉ ले सकते हैं। अब सब ग्रुप्स में हमारे पास डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें हमारे पास ये सारी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, दूसरी बीट ग्रीन्स है, बुक चॉय है, केल है, मस्टर्ड ग्रीन है, स्पिनच है, टर्निप ग्रीन्स है, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में आएंगी। अब अगर ऑरेंज एंड डीप येलो वेजिटेबल की बात करें तो उसमें हमारे पास कैरेट है, कैरेट जूस है, पम्पकिन है, ये सारी चीज़ें ऑरेंज एंड डीप येलो वेजिटेबल्स में आएंगी। लेग्यूम्स की बात करें, लेग्यूम्स में हमारे पास ब्लैक बीन्स हैं, ब्लैक आइड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, ये सारे जो बीन्स हैं हमारे पास लेग्यूम्स में आते हैं। इसी तरह आगे स्टार्ची वेजिटेबल्स की बात की गई है और दूसरे वेजिटेबल्स की बात की गई है। अब ये सारी चीज़ें जो हमें एक्सेस में लेनी चाहिए, बट बेक्ड बीन्स और कैंडीड स्वीट पोटैटोस, कोल्सलॉ, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो सैलेड, डीप फ्राइड बीन्स, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में लेनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम ग्रेन्स की। ग्रेन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें बी वाइटामिन प्रोवाइड करते हैं। बी वाइटामिन में हमारे पास फोलेट है, नायासिन है, राइबोफ्लेविन है, थायामीन है, कुछ मिनरल्स हैं जिसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, और हमें फाइबर भी प्रोवाइड करता है। 1 आउंस जो ग्रेन है वो किसके इक्वलेंट है? 1 आउंस ग्रेन है 1 स्लाइस ब्रेड, हाफ कप कुक्ड राइस, पास्ता या सीरियल, या 1 आउंस ड्राइड पास्ता या राइस। इसके अलावा हमारे पास 1 कप रेडी टू ईट सीरियल और 3 कप पॉपकॉर्न। अगर 1 आउंस जो ग्रेन है वो सपोज करें 80 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें भी 80 कैलोरीज ही प्रोवाइड करेंगी। जैसे 3 कप पॉपकॉर्न जो है वो 80 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास 1 कप जो रेडी टू ईट सीरियल है वो भी 80 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। सो कैलोरीज की बेस पे हम लोग जो है वो एक्सचेंज लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है। अब होल ग्रेन्स में हमारे पास मैरेथन आ जाता है, बार्ले आ जाते हैं, ब्राउन राइस आ जाता है, बकव्हीट है, बल्गर है, मिलेट है, ओट्स है, क्विनोआ, राई, व्हीट, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास होल ग्रेन्स में आ जाती हैं। इसके अलावा इंग्लिश बेगल, ब्रेड, सीरियल, पास्ता, ये सारी कुकीज़, ये अच्छा ये जो दोनों चीज़ें ये हमें एक्सेस मतलब अच्छी अमाउंट में लेनी चाहिए। और जो बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, कुकीज़ हैं, कॉर्न ब्रेड, क्रैकर्स, फ्रेंच टोस्ट, ये सारी चीज़ें हमें लिमिटेड अमाउंट में लेनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट फूड ग्रुप हमारे पास आता है मीट। ठीक है, इसमें हमें क्या चॉइस करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए? हमें लीन मीट चूज करना चाहिए या हमें लो फैट जो चॉइसेस हैं उसकी तरफ जाना चाहिए? अब जो मीट पोल्ट्री या एग्स है उससे हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है हमारे पास, हमें नायासीन मिलता है, थायामीन, B6, B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें फोलेट, बहुत सारे वाइटामिन, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मीट ग्रुप से मिलते हैं। और 1 आउंस ऑफ मीट किसके इक्वलेंट है? वो इक्वलेंट है 1 आउंस कुक्ड लीन मीट के, पोल्ट्री के, फिश के, 1 एग के, 1/4 कप जो कुक लेग्यूम्स है, टोफू है, इसके अलावा 1 टेबल स्पून पीनट बटर है। अब हमें किस चीज़ का क्या चीज़ हमें चूज करनी चाहिए? वो हमें पोल्ट्री है जिस स्किन के बगैर होनी चाहिए, और फिश है, शेल फिश है, लेग्यूम्स, एग्स हैं, लीन मीट है। लीन मीट से क्या मतलब है कि एक तो उसमें से जो एक्सेस फैट है वो ट्रिम हुआ हो, या जैसे ये तो US का फूड गाइड है ना, जैसे पोर्क वगैरह इनहिबिट किया गया है, इनहिबिट नहीं किया गया, मीन्स के वो उसको एनकरेज किया गया, बट
ये उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। पोर्क वैसे जो है ना वो हाई फैट में आता है, ठीक है, लीन मीट में नहीं आता। लो फैट टोफू है, पीनट बटर है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनक्रेज की गई हैं। और इसके अलावा जो बेकन है या बेक बीन्स हैं, ये फ्राइड मीट है, जैसे हम ये खाते हैं ना फ्राइड चिकन वगैरह खाते हैं, स्किन के साथ होता है। ये हॉट डॉग्स हैं, ग्राउंड बीफ है, ये हमें लिमिटेड अमाउंट मिलना चाहिए। अब हमारे पास मिल्क ग्रुप आ जाता है, डेरी ग्रुप आ जाता है। डेरी में हमारे पास क्या जो फूड ग्रुप है, हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, राइबोफ्लेविन प्रोवाइड करता है, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। और अगर इसको फोर्टिफाई किया जाए तो हमें ये विटामिन ए और विटामिन डी भी प्रोवाइड करता है। अब 1 कप मिल्क किसके इक्वलेंट है? 1 कप मिल्क है 1 कप फैट फ्री मिल्क के इक्वलेंट, ये योगर्ट के इक्वलेंट। 1.5 आउंस फैट फ्री नेचुरल चीज, ये 2 आउंस फैट फ्री प्रोसेस चीज। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि एक्सचेंज से थोड़ा सा वेरी करता है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या हमारी चॉइसेस होनी चाहिए? हमें फैट फ्री मिल्क लेना चाहिए या फैट फ्री मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनी होती हैं, जैसे मटर मिल्क है, चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, योगर्ट है, ये हमें ज़्यादा लेनी चाहिए? और हमें लिमिट क्या करना चाहिए? जो 1% लो फैट मिल्क होता है, या 2% रिड्यूस फैट मिल्क होता है, या होल मिल्क होता है, लो फैट रिड्यूस फैट एंड होल फैट होल मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे चीजेस हैं, कॉटेज चीज है, ये थोड़ा सा ना ये चीज़ मुझे लग रही है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये योगर्ट तक ये हमें इनक्रेज करनी चाहिए। आई डोंट नो कि बुक में क्यों लिखा हुआ है, बट ये जो चीज़ें हैं ये हेल्दी होती हैं और ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। बट अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं जिसमें एडिड शुगर्स हों, जैसे हमें मिलता है ना कैन मिल्क होता है, माइलो वगैरह होता है, या कस्टर्ड आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, ये चीज़ें हमें इनहिबिट करनी चाहिए। बट ये जो चीज़ है ना 1% लो फैट मिल्क, 2% रिड्यूस फैट मिल्क, ये चीज़ें जो हैं वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और पेशेंट की डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है। अब फैट ग्रुप की बात करें, फैट ग्रुप में हमारे पास ये हमें विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। अब 1 टीस्पून ऑयल जो है वो किसके इक्वलेंट है? वो 1 टेबलस्पून लो फैट मेयोनीज के इक्वलेंट है, 2 टेबलस्पून लाइट सैलेड ड्रेसिंग के इक्वलेंट है। लाइट जो सैलेड ड्रेसिंग में हमारे पास ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आ सकता है, 1 टीस्पून है वो वेजिटेबल ऑयल आ सकता है, 1 टीस्पून जो है वो सॉफ्ट मार्जरीन आ सकता है। अब इसमें हमें जो चीज़ें हैं जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए, उसमें हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल है, जैसे कनोला है, कॉर्न है, फ्लैक्स सीड्स है, नट्स है, ऑलिव ऑयल है, ये चीज़ें, या अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं जैसे एवोकाडो का, या फिश ऑयल है, नट्स, ऑलिव्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। और लिमिट क्या करना चाहिए? लिमिट जैसे कुछ ऐसी फूड या बेवरेजेस जिसमें सॉलिड फैट, ट्रांस फैटी एसिड्स हैं और उसमें ज़्यादा शुगर है, वो हमें लिमिट करना चाहिए। वो फूड जैसे हमारे पास बेकरी की आइटम्स आ जाती हैं, पैटिस वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं, या जैसे क्रीम चीज़ है, या हार्ड मार्जरीन है, इस तरह की चीज़ें हमें लिमिट में रखनी चाहिए। इसके अलावा आप इसमें बताया गया कि जो ब्राउन शुगर है, या हनी है, या जेली है, मोलेसेस हैं, इसको भी आपने लिमिट में रखना है। बट ये अच्छा, ये चीज़ ब्राउन शुगर जो है ना, अगर ओरिजिनली आपको मिलती है और उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, या उसमें आपको वाइट शुगर में आपको वो जैसे कलर करके वो नहीं सेल करे, तो ब्राउन शुगर अच्छी होती है, हनी भी अच्छा होता है, मोलेसेस भी अच्छे होते हैं। इसमें मैं भी ये बात की थी कि जो प्रोसेस्ड जैसे हनी है वो भी रियल नहीं मिल रहा, या जो ब्राउन शुगर है उसमें भी अगर दूसरी शुगर ऐड की गई है तो फिर ये चीज़ें जो है वो हमें लिमिट में रखनी चाहिए। ये चीज़ हमने अभी डिस्कस कर ली थी पहले ही। अब इसमें ये जो टेबल है इसमें बताया गया है कि अगर इतनी कैलोरीज हो तो आपको कितने कप जो है वो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए, कितने ऑरेंज लेने चाहिए, कितने लेग्यूम्स लेने चाहिए, कितनी स्टार्च लेनी चाहिए। अब हमारे पास आता है डिस्क्रिशनरी कैलोरीज,
डिस्क्रिशन कैलोरीज क्या होता है, अगर आपकी आपके पास पेशेंट आया है और उसके आपने कैलोरीज काउंट की हैं, लेट्स से 1600 कैलोरीज काउंट की हैं, बट आप ये देख रहे हो कि उसके जो सारे फूड ग्रुप्स हैं या जो उसकी न्यूट्रिएंट नीड है वो 1500 कैलोरीज में ही पूरी हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आप जो 100 कैलोरीज हैं आप थोड़ा सा उसको मार्जिन दे देते हो, आप ये कह देते हो कि मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है या वो मीठे के बगैर नहीं रह सकता या उसको चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है या उसको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो आप 100 कैलोरीज का उसको मार्जिन दे देते हो कि इस 100 कैलोरीज में कोई भी कोई ऐसी चीज़ की चॉकलेट का एक चंक आप अलाउ कर देते हो कि आप ये खा सकते हैं, या आप छोटा सा चंक ब्राउनी का ऐड कर देते हैं कि आप ये खा सकते हैं. सो वो कैलोरीज जो ऐसी कैलोरीज के जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट नीड हमारे पास पूरी हो जाए और जो बाकी कैलोरीज हमारे पास बचती हैं उसको हम लोग डिस्क्रिशनरी कैलोरीज कहते हैं, और उसमें आप पेशेंट की जो भी उसका पसंद होता है या जो भी वो प्रेफर करता है वो आप उसको दे सकते हैं. अच्छा, ये डिस्क्रिशनरी कैलोरीज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. The calories remaining in a person's energy allowance after consuming enough nutrient-dense food to meet the all nutrient needs for the day. कि वही बात की गई है कि जो calories बचती हैं, मीन कि उसकी सारी nutrient need पूरी हो गई है, but जो calorie excess में बच रही है, उसको हम discretionary calories allowance कहते हैं. जी, तो ये आज का lecture था, और I hope so आपको समझ आया हो. इसके बाद हम लोग food labels पढ़ेंगे. और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.